सब में मौजूद है, यानी कि जहां से लाइव चालान की अनाउंसमेंट की जाती है, जहां से लोगों को वार्निंग दी जाती है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय ट्रैफिक कर्मी जो है वो अपना काम कर रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को जो है वो अवेयर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कंट्रोल रूम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाई है कि किस प्रकार से लाइव चालान हो रही है, लोगों को जो है वो अवेयर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सक रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है। दोनों व्हाइट कलर की स्कूटीज आपने लेफ्ट साइड को ब्लॉक करके रखा है, उसके पीछे जो गाड़ी है JK02BF8878 आपने भी लेफ्ट साइड को ब्लॉक करके रखा हुआ, लेफ्ट को फ्री रखिए। ये तस्वीरें आप देख, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल रूम की पर देख रहे हैं कि जहां पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, गाड़ियों पे नजर रखी जा रही है और जो लोग यानी कि जो गाड़ियां वाहन जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी करते हैं उन्हें जो है वो अवेयर किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर वो तस्वीर है, यानी कि यहां पर कोई भी अनाउंसमेंट, इन चौक पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, इनका चालान हो रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि स्कूटी पर दो व्यक्ति जो है, यानी कि दो महिलाएं जो है वो सवार हैं, जहां पर एक ने हेलमेट डाला है लेकिन दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये हर एक चौक पर जो है वो अनाउंसमेंट नहीं, केवल और केवल जम्मू के ग्रीन बेल्ट चौक पे ये अनाउंसमेंट हो रही है। और ये तस्वीर जो आप देख रही है, जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां पर पूरी तरीके से उन लोगों पर नजर रखी जा रही है, उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो लोग जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि हेलमेट नहीं डालते हैं या फिर सीट बेल्ट नहीं डालते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि अलग अलग चौक से ये तस्वीरें हैं, यानी कि जानीपुर चौक से ये तस्वीरें हैं, ग्रीन बेल्ट चौक से ये तस्वीरें हैं और विक्रम चौक से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से। फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ग्रीन बेल्ट चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को, हालांकि कई लोग जो है वो अवेयर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि जहां पर अनाउंसमेंट की गई, लेकिन फिलहाल देखिए रेड लाइट है, रेड सिग्नल है और लोग देखिए अवेयर भी हो रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे हैं। और मकसद केवल यही है, अनाउंसमेंट का मकसद केवल यही है कि जो लोग वाहनों को जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े करते हैं उन्हें इस बात की अवेयरनेस हो कि जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको जो है वो गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, क्योंकि आपको इससे चालान हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप लेफ्ट साइड को ब्लॉक करते हैं तो आपको चालान देना पड़ सकता है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंट्रोल रूम से जो है वो हर एक वाहन पर, हर एक चौक पर जो है वो नजर रखी जा रही है और फिलहाल स्टाफ जो है वो, ट्रैफिक कर्मी जो है वो इस समय काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें कंट्रोल रूम से हम आपको दिखा रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें कि ट्रैफिक खाली ग्रीन बेल्ट चौक में जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी, यानी कि जहां पर रेड सिग्नल है, चौक है, आपको वहां पर गाड़ी खड़ी करनी है और वहीं पर आपको जो है वो ये बताया जाएगा कि आपको यहां पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। हुंडई i10 4577 आपने ट्रैफिक पता, पीछे आ जाइए। JK21 निसान मैग्नाइट आप भी पीछे हो जाइए। देखिए किस तरीके से आइटन आपने क्या किया, आपने वायलेट करने की कोशिश की, आपका चलान हो सकता है। ये इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रैफिक लाइट को वायलेट नहीं करना है और ये अनाउंसमेंट सिर्फ इस चौक पे की जा रही है, अदरवाइज चलान आपका कहीं पे भी हो सकता है अगर आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें, वायलेशन करने पर आपका चलान आपके पास पहुंच जाएगा और उसके लिए कोई वार्निंग भी नहीं दी जाएगी। जो व्हाइट कलर के स्कूटर पे व्हाइट कलर की हेलमेट पहने हुए हैं भाई साहब, ब्लैक व्हाइट कलर की, आप कहां पे खड़े हैं? आप अपना देखिए, आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े नहीं होना, पीछे हो जाना है। देखिए प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है और ये बताया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको जो है, यानी कि
इसी चौक पे अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन आप ये गलती ना करें कि जहां पर रेड सिग्नल है वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग पे आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहां पर भी अनाउंसमेंट होगी। बिल्कुल भी नहीं, वहां पर आपका सीधा चालान काटा जाएगा बिना आपको अवेयर किए, क्योंकि यहां पर मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग ये समझ पाए कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी जो है वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं करनी है। ये स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैफिक कर्मी जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है जो लोग जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आप कंट्रोल रूम से देख रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये संदेश पहुंच सके जो अवेयरनेस दी जा रही है कि किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक चौक पर ग्रीन बेल्ट चौक पर अनाउंसमेंट की जा रही है और कहीं पर भी आप जाते हैं दूसरे चौक पर तो वहां पर अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, वहां पर आपका सीधा चालान होगा। देखिए किस प्रकार से जो है उन लोगों पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और हर एक चौक की ये तस्वीरें हैं, सीट बेल्ट नहीं डाली है या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी की है या फिर हेलमेट नहीं डाला है, उल्लंघन कर रही है। ये देखिए तस्वीर किस तरीके से, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन व्यक्ति ने जो है वो हेलमेट नहीं डाला है। अब इनका चालान जो है वो काटा जाएगा, हर एक चौक पर जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। तो आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखते हैं कि नाकाय लगाए जाते हैं। देखिए आप चल ये वायलेशन कर रहे हैं, रेड जैकेट वाले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ब्लैक कलर पीछे हो जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े नहीं रहना। ये जो 8999 इनोवा गाड़ी है आपने लेफ्ट को ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेफ्ट को ब्लॉक मत कीजिए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कंट्रोल रूम से, ये तस्वीरें कंट्रोल रूम से जहां पर पूरी तरीके से वाहनों पर नजर रखी, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाहनों पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है और स्पेशली उन लोगों पर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंच सके और उन्हें ये पता चल सके। हालांकि लोगों को ये पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो इनको अनदेखा करते हैं और उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग पे जो है वो कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक चौक पर अनाउंसमेंट की जा रही है तो उन्हें ये लगता है कि आने वाली जो चौक है यानी जो रेड सिग्नल है वहां पर अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, वहां पर जो है वो चल अपनी वाहनों को लेकर जो है वो आगे अपनी मंजिल की ओर जो है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन वहां पर आपकी अनाउंसमेंट नहीं होगी, वहां पर सीधे आपका चालान जो है वो काटा जाएगा। और देख सकते हैं तस्वीरों में दो स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एक वो स्क्रीन है ग्रीन बेल्ट चौक की स्क्रीन है, जहां पर